तो यार HDMI केबल मैंने इसलिए लाई थी क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रहा MacBook और तो ये लो। आपको स्मार्ट सीरीज वाले आए थे कोई? आए थे ना। अच्छा। यार ओल्ड मनाली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पार्किंग की। ऑफिस आपको दिख रहा है? फिलहाल नहीं सकते इसको, फिलहाल नहीं ऐसे। यार तब तक एक काम करते हैं ना, बाइक में लेग गार्ड लॉक है निकाल दो। लैपटॉप का तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए यार, क्योंकि ना कुछ इशू आ रहा है इसमें, इसलिए इतना ज्यादा सामान लेके। हाँ जी, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सर आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह से, लेकिन बहुत काम थे करने को, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और अभी मैं आ चुका हूँ वशिष्ठ ऑफिस में, सामान था थोड़ा सा ले जाने को ओल्ड नाली। जैसे कि आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था, आज है एवलांच सेफ्टी वर्कशॉप, तो यहाँ से ना सामान वगैरह मैंने ले लिया और निकलते ओल्ड नाली ऑफिस को। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ना आज का दिन करते स्टार्ट, लेट्स गो। और यार गाड़ी अपनी रेडी है, इसको थोड़ा सा पानी भी मारना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। बाकी बैग वगैरह मैं डाल देता हूँ अंदर, इसमें ना शॉवल वगैरह है। तो गाइस मैं आ गया हूँ राहुल के पास। हेलो, बहुत टाइम के बाद, क्या हाल चाल, कहाँ गए थे? मैं गया था चंडीगढ़ गए थे। तो यार एक्चुअली ना अपने बुलेट के शीशे और लेग गार्ड का यहीं पे रह गए थे, ये लेने के लिए मैं आया था। पिछले कल मैंने ऑफिस खोला ना, एकदम नजर गई मेरी यार शीशे और लेग गार्ड तो लगे ही नहीं है, फिर मेरे को याद आया मैं यहीं पे भूल गया था। तो ये रहा अपना लेग गार्ड और वो रहे अपने शीशे, लेके चलते परमवीर भाई के पास में पहुंच गया ना। हेलो टिप्सी। यार आजकल ना बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते मेरे को देख के, पता है ना जो, क्यों सैड हो गया, सैड हो गया। तो यार अभी मैं अमित भाई के पास आ गया हूँ। एक्चुअली ना मेरे को ये वाला बड़ा वाला स्टिकर छोड़ना था किसी के लिए। और अमित भाई दुकान में कभी नहीं होते हैं। और अमित भाई क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया। क्या कर रहे हो ये? लाइट तो है नहीं ना? लाइट नहीं है। तो ये लो, आपको स्मर्सरीज वाले आए थे कोई? पैदल आए थे ना। तो ये उनको दे देना ना। यार ओल्ड मनाली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पार्किंग की। ऑफिस आपको दिख रहा है वो नीचे रहा, वैसे मैं ऑफिस के सामने लगाता था ना, वहाँ पे वैन लगी हुई है। और अपनी ब्लेरो कैंपर भी यहाँ पीछे लगाई मामू ने। बाकी देखते हैं, यहाँ भी जगह तो है मेरे पास ना, लेकिन टर्न पे ही है। अभी आगे से एक गाड़ी निकल तो रही है, जो इसके आगे रेड गाड़ी है ना वो निकल रही है, देखते हैं अगर निकलेंगे तो वहाँ डाल दूंगा। तो यार मैं ना ओल्ड मनाली ऑफिस पहुँच चुका हूँ और कैरियर भी यहाँ पे है, बाकी अब इसको बाद में लगाएंगे, नीचे छोड़ना पड़ेगा। बाकी की सीन ये कि अंदर वर्कशॉप चली हुई है, एक बार दिखाता हूँ आपको मैं, गोप्रो अंदर सेट कर देता हूँ, वैसे तो उतना नहीं दिखा पाऊंगा, गोप्रो सेट करते दिखाते आपको। तब तक एक काम करते हैं ना, बाइक में लेग गार्ड और शीशे लगा देते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। धूल काफी ज्यादा हो गई है, हाथ से करनी पड़ेगी, कपड़ा तो है नहीं। तो यार बाइक मैंने छोड़ दिया नीचे अपना, लेग गार्ड और ये शीशे भी ले जाते हैं, लगाना पड़ेगा, यहाँ पे करेंगे रिपेयर। तो गाइस अभी मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, थोड़ा आगे तक मेरे को ना काम है, मेरे को राजू मास्टर के वहाँ पे जाना है, तो यहाँ से निकलते एक बार गाड़ी निकालते हैं। ये वाला रोड ना क्लब हाउस वाला रोड है, जो लेफ्ट साइड से शनाग को निकलता है और यहाँ से आप सोलांग भी जा सकते हो। आगे ही मेरे मास्टर जी की कैंप साइट है हिमालयन फ्रंटियर की ना, मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा काम है। और यहाँ से अपना वशिष्ठ भी दिखता है बिल्कुल ऑपोजिट। मास्टर जी की यहाँ से मैं फ्री हो चुका हूँ, अब निकलते हैं यहाँ से ऑफिस को, लंच भी नहीं है ना, वहाँ जाके लंच भी करते हैं। चलिए जी, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक बंदे ने ना तरपाल खोल दिया, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा हो गई है और ओपन जिप्सी का फील ही अलग है। अभी के सीन्स कुछ ऐसे है, लंच वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और जैसे कि आप लोगों ने देखा वर्कशॉप चली हुई है। जिस जिसको ये कोर्स कर रहे हैं एवलांच सेफ्टी का, वो मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रहा हूँ और आप हिमालयन एक्सट्रीम सेंटर में जाके ना DM भी कर सकते हो। दो दिन का कोर्स होता है, फर्स्ट डे इसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, सब कुछ बताया जाता है आपको एवलांच के बारे में, कैसे क्या चीजें करनी है, और सेकेंड डे ऑन ग्राउंड आपका प्रैक्टिकल होता है। कल जाएंगे सिसु,
लाहौल जाएंगे कल, वहाँ पे ना स्नो में प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं चीज़ें। तो जिस जिसको कोर्स करना है ना, डिस्क्रिप्शन में जाके कॉन्टैक्ट नंबर है और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दे दूंगा हिमालयन एक्सचेंज सेंटर का, वहाँ जाके आप डीएम कर सकते हो। तो यार अभी ना ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, चलता हूँ मैं अभी और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। वापिस कहाँ था जो लोवेस्ट था, कितना है ये? हाँ और वापिस आगे कम जाओ, आगे जाओ, अब यहाँ से करो लेफ्ट राइट, थोड़ा आगे हो गए। हाँ अब यहाँ करो ग्राउंड पे ले, कम हो गया। चलो अब है हुआ थोड़ा सेंटर पॉइंट, हाँ अगर 0 पॉइंट कुछ है तो वही है जब हॉट मार सकते टाइम में फाइनल 3 मीटर्स के बाद यू ऑन द ग्राउंड एंड देन यू डू द ग्रेड, ऑब्वियसली यू हैव टू गो डाउन। तो या अब लेफ्ट राइट करके मार्क ऑफ योर लोएस्ट नंबर, लेकिन उसके बाद तो अभी हाथ ही मारना पड़ेगा आपको यहाँ नॉर्मली। प्रैक्टिकल हो चुका है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी जो भी होगा वो कल के लिए है। और डिस्क्रिप्शन में तो कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक है, अगर किसी को करनी है वर्कशॉप ना जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग। तो यार अभी सब जा चुके हैं ऑफिस से, तो मैं भी निकलता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो कल करेंगे। कल जाएंगे हम लोग सिसु, कल की जितना भी प्रैक्टिकल होगा वो सिसु पे जाके होगा और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा। अभी के सीन जैसे यहाँ से निकलते हैं बंटू भाई के पास, वहाँ पे थोड़ा सा काम है मेरे को, वो करते हैं। और टाइम अभी हो चुका है 4:16। और यार इस घड़ी को देख के मेरे को याद आया, मैंने बोला हुआ था इंस्टाग्राम पे जैसे ही मेरे 10K होंगे ना वैसे ही मैं एक ऐसी न्यू घड़ी का गिव अवे करूंगा। अभी 8,500 फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे मेरे, तो वेट किस चीज का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और गायफ्रॉम मनाली जाके ना 10K करवाओ। जैसे 10K होगा ना वैसे ही एक गिव अवे होगा इस घड़ी का। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन में स्क्रैचेस दिख रहे हैं सामने, मेरे को ना सामने वाली स्क्रीनिंग भी उतारनी पड़ेगी, फिर ये स्क्रैचेस सारे हट जाएंगे क्योंकि शीशा मेरा नया है, बस स्क्रीनिंग की थी ना उस टाइम स्क्रैचेस पड़ गए कपड़ा मार मार के। तो कभी भी यार ऐसे पता है कपड़ा मत मारा करो, मैंने तो बहुत मारा है कपड़ा, क्योंकि कपड़ा वो डस्ट वाला होता है गंदा ना, पता हम लोगों को चलता नहीं और वही मार देते हैं, बहुत स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, रात को काफ़ी प्रॉब्लम होती है ड्राइव करते वक्त। साइड की स्क्रीनिंग तो मैंने यहाँ की निकाल दी थी ना, ये वाली भी निकालनी पड़ेगी। तो यार मैं ना सब जगह से फ्री हो चुका हूँ काम करके, मेरे को एक्चुअली 2-3 काम थे, बंटू भाई के वहाँ पे भी जाना था। एक्चुअली घर पे ना मेरे को मैकबुक लगानी है, तो वो घर जाके दिखाता हूँ आपको मैं क्या सीन है, वो सारे काम मेरे हो चुके हैं। और अभी के सीन जैसे मार्केट आया हूँ मैं मम्मी को लेने के लिए, मम्मी भी मार्केट में ही है, सामान वगैरह ले रही थी घर के लिए, तो मम्मी ने मेरे को बोला हुआ है 10 से 15 मिनट वेट कर ले, वेट करते हैं 10 से 15 मिनट उसके बाद निकलेंगे घर को। मम्मी अब जाके आ गई, कम से कम बता रहा हूँ 20 मिनट के बाद, इतना ज्यादा सामान लेके। हाँ जी, वो कितनी शॉपिंग कर ली? पकड़ थक गए, इसको ऐसे रखो। ओ पैसे मिले मेरे को, पैसे 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 मिले मेरे को 10 रुपए, ये चोरी कर लूंगा मैं, यहाँ रखूंगा मैं गाड़ी में पैसे मुझे थोड़े से। क्या अकेले है आप? चलो फिर तो यार सामान बहुत ज्यादा हो गया ना, पहले ये एडजस्ट करते हैं सारा। तो गाइस फाइनली मम्मी को घर छोड़ दिया है, लंच मैंने कर लिया और ना जंबो ने पूरे घर में आतंक मचा के रखा हुआ है, दुखी कर दिया उसने। अब तो जो मेन गेट है ना उससे भी बाहर निकल रहा है, पहले अपना सर निकालेगा फिर रोएगा और पूरा बाहर, उसके बाद हम ना बार बार उसको ही लाने थे। अब मैं देखता हूँ घर जाके ना परमानेंट गेट को भी बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे शैतान होता जा रहा है। तो अभी की सीन जैसे ऑफिस पहुंच गया हूँ मैं, चाय ऑर्डर कर ली है और अभी ना जीजू का वेट करूंगा थोड़ी देर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम था लैपटॉप में, तो यही सीन है बस। तो मैं ना ओल्ड नॉली ऑफिस में अपनी HDMI केबल भूल गया था और बिंद्रू अभी आ रहा था, तो बिंद्रू को बोला था मैंने लाने को, तो अभी चलते हैं नीचे तक, मेरे को जिप्सी को वॉश भी करना है। वॉश क्या करना है, पानी मारूंगा मैं प्रेशर, क्योंकि उतनी गंदी नहीं है, थोड़ी टाइम पहले वॉश की थी, कीचड़ साइड में वो निकल जाएगा, बाकी HDMI केबल भी लेके आते हैं। बिंदु भाई के पास मैं पहुंच गया हूं ना, थोड़ा सा पानी मार देते हैं और आगे वाली नोजल निकाल दी है ना इसलिए प्रेशर उतना नहीं, बट ऐसे कर लेंगे कोई ना, ऐसे भी निकल जाएगा। देखो कौन मिल गया है मेरे को, तब से लेके डिपर मार रहे दोनों। तो यार गाड़ी वॉश हो गई मेरी ना, अब निकल चुका हूँ मैं ऑफिस को, HDMI केबल भी आ गई, अभी दिखाता हूँ आपको ऑफिस जाके ना HDMI केबल क्यों मंगाई थी मैंने। एक्चुअली मैं सुबह ऑफिस लेके गया था और वहीं पे भूल गया था,
तो अभी काम भी है इसका थोड़ा सा। HDMI केबल मैंने इसलिए लाई थी क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रहा मैकबुक और इसकी ना स्क्रीन टूट चुकी है, तो HDMI केबल के थ्रू ना इस डिस्प्ले में इसकी डिस्प्ले आएगी, देखते कर रहे हैं अभी। और साथ में ना जीजू गए हुए थे कुल्लू, यहाँ पे आ गए हैं सिड्डू और मोमोज, बढ़िया एकदम। हम लोगों ने आप देख सकते हो उस वाले मैकबुक के साथ ना स्क्रीन को कनेक्ट कर दिया। और एक चीज दिखाऊं, माउस दिख रहा है आपको, ये देखो दिखाते हैं, ये माउस यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ पे, इसको माउस को राइट करेंगे ना और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो यहाँ से लेके लेफ्ट किया और वहां पे आ गया, क्रेजी। हेलो गाइस, अखिल आ गया बड़े टाइम के बाद, कहाँ था इतने टाइम से गायब? मैं जम्मू यार। अभी ना अखिल और मैं ना प्लान करने वाले कुछ है ना, इंटरेस्टिंग सा प्लान करेंगे थोड़े दिन के लिए। लैपटॉप को तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए यार, क्योंकि ना कुछ इशू आ रहा है इसमें, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जीजू ने बोला है वो कल देखेंगे लैपटॉप को, तो हम कल देखेंगे क्योंकि ना रात भी काफी ज्यादा हुई है। जीजू निकल गए घर, कल आराम से आके देखेंगे। बाकी अभी की सीन जैसे मैं भी निकलता हूँ घर, घर जाके ना आपको एक बार जम्बो से मिलाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा शैतान हो गया, दिन में भी उसने बहुत शैतानी है, एक बार घर चलते हैं ना आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो यार इसको देखो, ये जम्बो, जम्बो मैं घर पहुंच गया हूँ ना, और शैतान को देखो, हेलो शैतान, हेलो शैतान मेरा, हेलो शैतान, शैतान शैतान जी, हेलो बोलो सबको, सबको हेलो बोलो, सबको हेलो बोलो, हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो, हेलो हेलो। तो गाइस घर में पहुंच चुका हूं और फ्रेश वगैरह होकर मैं बैठ गया हूं, एंड जम्बो आपने देख लिया कितना शैतान हो गया है। ये ना थोड़ा सा जब ये मूड में होता है ना उस टाइम पे ज्यादा शैतानी करता है, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी कम कर रहा था ये। बाकी जूते इसने मेरे सारे खा लिए, 5 से 6 जोड़े जूते मैंने रखे हुए थे वो इसने खा लिए। और इसके कान आपने देखा, कान ना इसके प्रॉपर खड़े नहीं हुए, एक्चुअली लंबे कान है इसके काफी, और अभी छोटा ही है तो कान हो रहे धीरे धीरे करके खड़े, और लंबे कान है ना ऐसे ऐसे करके जंप करते रहते हैं। और कल हम लोगों को जाना है सिसु, जो ग्राउंड ट्रेनिंग है वो कल होगी एवेलान सेफ्टी वर्कशॉप की। जिसको ये कोर्स करना है ना, तो नेक्स्ट कोर्स जब भी होगा मैं ना इंस्टाग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ, तो जिसने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया है वो जाके फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बाकी आज की इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।